तो यारो स्वागत है सभी का, वेलकम दी बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज की इस वाले वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ये जो हमारा न्यू डिस्ट्रिक्ट है बलून लगून, इसको आप लोग कैसे कम से कम अटैक्स यूज करके क्लियर कर सकते हो। तो जरूर से वीडियो को पूरा एंड तक देखना आप लोग, एंड साथ ही में हमारे जो गोल्ड पास के विनर्स का अनाउंसमेंट है वो भी इसी वीडियो में मैं कर दूंगा, एंड में करूंगा, तो जरूर से वीडियो में बने रहे। एंड गाइज अगर कोई चैनल पर न्यू हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई क्या कर रहे हो, फटाक सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 26K हमें इस मंथ के एंड से पहले कंप्लीट करवाना है। तो चलो भाई अभी हमारा रेड चालू हो चुका है, स्टार्ट रेड पे अपन क्लिक करेंगे एंड स्टार्ट रेड हम लोग कर देते हैं। एंड यहाँ पे हमारा रेड स्टार्ट हो गया, तो न्यू रेड में हम लोग चलते हैं, गो कर देते हैं। एंड ये देखो भाई साहब बलून लगून यहाँ पे हमें दिख रहा है, एंड इसी बेस पे अभी अपन अटैक करेंगे। सबसे पहले स्काउट कर लेते हैं क्योंकि भाई साहब कुछ लोग बेस को एडिट कर देते हैं, ठीक है। ज्यादातर लोग बेस को ज्यों के त्यों रखने वाले हैं लेकिन कुछ लोग एडिट कर देते हैं जैसे कि इन लोगों ने यहाँ पे करा है। अभी अगर आप लोग देखोगे तो सारे डिफेंस सारे मेजर बिल्डिंग्स को इन लोगों ने भाई साहब कोर में रखा है, एंड वॉल से कुछ खास बाउंड्री भी नहीं बनाई है, मतलब कंपार्टमेंट वगैरह बनाते तो ज्यादा। अबे यार कौन चला गया अटैक करने, मैंने भाई साहब मेल करा था कोई अटैक मत करना। अरे यार ये जॉय हरामी है भाई साहब, बिना मेल पड़े अटैक करने चल गया। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। खैर गाइस अब अटैक स्टार्ट हो ही गया, तो इसी से आप लोग को बता देता हूं कैसे आपको इस बेस को ट्रिपल करना है, ठीक है। तो यहां पे देखो इसने सुपर बारबेरियन यूज करा है ताकि बाहर के बिल्डिंग्स को डाउन कर सके, स्निकी आर्चर्स यूज करे हैं ताकि कुछ डिफेंसेस को इनविजिबल होके ये मार सके, ठीक है। प्लस यहां पे जायंट एंड सुपर विजर्ड तो साथ में आपको यूज करना है, प्लस एक इसने स्केलेटन बैरल का यूज करा है। अब देखो स्केलेटन बैरल या फिर मिनियन आपको कहां पे यूज करना है, ऑब्वियसली वहां जहां ग्राउंड टारगेटिंग डिफेंसेस है, जो एयर टारगेटिंग डिफेंसेस नहीं है वहां पे अगर आप उनको यूज करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यहां पे देखो इसने एक स्केलेटन बैरल यूज करा है, एंड इसका यूज कैसे करने वाला है ये वो देखना आप लोग, अभी तक इसने डिप्लॉय नहीं करा है। बट जैसे देख सकते हो एयर डेफ यहां पे जो निकला कोर में, जो टाउन हॉल के मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉल के बगल में था, वो जैसे ही डाउन हुआ यहां पे इसने स्केलेटन बैरल का डिप्लॉयमेंट कर दिया ताकि ये ग्राउंड टारगेटिंग डिफेंसेस को डाउन कर सके, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हो भाई ऐसे ही आपको यूज करना है इस वाले अटैक स्ट्रेटजी को, या फिर आप बोलो भाई साहब आपने जो स्केलेटन बैरल या फिर मिनियन यूज करना है, ठीक है, ऐसे यूज करना है ग्राउंड टारगेटिंग डिफेंसेस के ऊपर एयर ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दो, ठीक है। तो यहां पे देखो आधा से ज्यादा बेस भाई यहां पे क्लियर हो गया, बस एक और अटैक यहां पे लगेगा इस पूरे डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रॉय करने में, तो वो मैं करने वाला हूं अभी। यहां पे अटैक तो खत्म हो गया, क्या चल रहा है अभी भी शायद। अच्छा यहाँ पे देख सकते हो एक स्केलेटन बचा पड़ा है जो कि यहाँ पे इस बिल्डिंग को डाउन कर रहा है, तो 69% हो गया यहाँ पे, बहुत सही परसेंटेज है भाई साहब, हरामी हो। ऑलराइट गाइस यहाँ पे अभी मैं अटैक करने वाला हूँ, ये मेरी आर्मी है, एंड मैं आप लोग को ये नहीं बोल रहा कि आप लोग सेम आर्मी कॉपी कर लेना, लेकिन ज्यादातर आपको इसी आर्मी के साथ अटैक करना पड़ेगा। बट अगर आप लोग को कोई ग्राउंड टारगेटिंग डिफेंस अकेला मिल जाए जहाँ पे एयर टारगेटिंग डिफेंसेज नहीं है अगल बगल, तो वहाँ आप लोग बेटा मिनियन या फिर भाई साहब स्केलेटन बैरल का यूज कर लेना, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे स्निकी आर्चर डालेंगे ये क्रशर निकालने के लिए, लेकिन ये भाई साहब लकड़ा लॉन्चर सारे स्निकी उड़ा गया भाई, यहाँ पे लकड़ा लॉन्चर नहीं निकलना चाहिए यार, इनविजिबल जब तक हमारे आर्चर्स होते हैं लकड़ा लॉन्चर कायदे से निकलना तो नहीं चाहिए, लेकिन चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे एक सुपर जेंट डाल देंगे एंड पीछे से एक सुपर विजिट डालेंगे, ठीक है। इससे होगा क्या कि हमारे सारे ट्रूप्स को डैमेज नहीं पड़ेगा, एंड जैसे ये क्रशर निकल जाएगा उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे अपने सारे के सारे ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट कर देंगे। तो एक हिल्सपल जो पहले जॉय ने डिप्लॉय करा था वो तो टोटल वेस्ट हो गया यहाँ पे, क्योंकि उधर कुछ है ही नहीं, तो उधर से अटैक करने का कुछ मतलब ही नहीं था, इसी वजह से मैंने इधर से अटैक करा। अब गाइस अगर आप लोग देखोगे बेस में ज़्यादा कुछ मेजर डेफ नहीं बचा पड़ा है, मतलब क्रशर था जो हमारे ट्रूप्स को दिक्कतें कर सकता था, बट वो हम लोग चलाकी से डाउन कर दिए, ठीक है। एंड अब यहाँ पे डिफेंसेस हमारे ट्रूप्स को दिक्कतें नहीं करने वाले ज्यादा, एंड एक सुपर बारबेरियन मैंने होल्ड करा था कि अगर बाहर कोई बिल्डिंग होएगा तो उसके ऊपर डाल दूंगा, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। एंड अब आप देख सकते हो मतलब आराम से ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंड सिर्फ दो ही अटैक्स अपने को लगे इस डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रॉय करने में, क्योंकि अभी ये लेवल 1 का है बलून लगून जो भी है ये लेवल 1 का है। एंड अभी आप लोग को भी ज्यादा से ज्यादा दो ही अटैक्स यूज करने चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी इन फ्यूचर जैसे लेवल इंक्रीज होगा, जैसे डिफेंसेस और बढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग होगा डिस्ट्रिक्ट, तो आने वाले टाइम में मैं और भी आप लोग के लिए अटैक स्ट्रेटजी लाऊंगा। बट अगर आप लोग को ये वाली अटैक स्ट्रेटजी ये वीडियो पसंद आई तो जरूर से एक लाइक कर दो, फटाक अपने दोस्तों के साथ अपने क्लाइंटमेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो। एंड गाइस अगर आप लोग चाहते हो रेड वीकेंड्स या फिर क्लैन कैपिटल के ऊपर मैं और भी टॉपिक्स कवर करूं तो आप लोग मेरे को टॉपिक सजेस्ट कर देना कमेंट सेक्शन में। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे एंड गिव अवे के विनर्स पिक कर लेते हैं।
तो गाइस मैंने आप लोग को बोला था कि इस चैनल से हम लोग दो गिव अवे के विनर्स पिक करने वाले हैं, तो यहाँ पे वीडियो का लिंक चिप दिया, यहाँ पे फिल्टर कर दिया, यहाँ पे हम लोग गिव अवे टाइप कर देंगे क्योंकि मैंने आप लोग को बोला था गिव अवे लिखना कंपलसरी है, ठीक है। तो देखते हैं भाई साहब कितने लोगों ने हमारे गिव अवे में पार्टिसिपेट करा था। एंड यहाँ पे दो गिव अवे हम लोग कर रहे हैं गाइस, हमारे BGMI वाले चैनल पे एक और गोल्ड पास का गिव अवे होगा। तो यहाँ पे 303 लोगों ने पार्टिसिपेट करा भाई साहब, एंड देखते हैं इन 303 में से कौन दो लकी विनर्स हमें मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई साहब, देखते हैं कौन है हमारा पहला विनर। ये है अखिलेश कुमार भाई साहब, ये हमारे पहले विनर। थैंक यू SK भाई, भाई बंदे का कॉन्फिडेंस देख रहे हो, पहले ही थैंक यू बोल दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन टू अखिलेश। एंड अभी हम लोग देखते हैं हमारा सेकंड विनर कौन है। तो ये है सरिता भाभी, ये तो भाई अपना ही बंदा है भाई, इसको मैं गोल्ड पास नहीं दे रहा, इसको तो कतई नहीं देंगे। लेकिन अखिलेश भाई आप मेरे को इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर लेना, आपको मैं वहां से आपका जो भी गिव अवे आपने जीता है वो मैं दे दूंगा। एंड गाइस जो लोग गिव अवे नहीं जीत पाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्यूचर में और गिव अवेज आएंगे, चिंता मत करो। एंड साथ ही में ये हमारे BGMI का चैनल है, यहाँ पे भी हमने एक गिव अवे प्लान करा है आप लोग के लिए। तो एक वीडियो मतलब एक शॉर्ट वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दिया है, उस वीडियो पे जाना, कॉमेंट कर देना गिव अवे, ठीक है, बस इतना आप लोग को करना है। एंड साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप लोग को चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इवन आपको टाइटल में दिख रहा होगा मेरा BGMI चैनल मेंशन, तो आप लोग डायरेक्टली चैनल पे जा सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। रेगुलरली मैं उस चैनल पे भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, तो अगर आप लोग को BGMI के फनी शॉर्ट्स देखना पसंद है तो जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। एंड भाई को सपोर्ट करो, वो चैनल भी जल्दी से हम लोग को ग्रो करना है ताकि गाइस फ्यूचर में हम लोग और भी ज्यादा गिव अवेज आप लोग के लिए प्लान कर सके। तो जाके फटाक सपोर्ट दिखाओ, उस चैनल पे भी प्यार दिखाओ। बाकी आज के इस वाले वीडियो को यहीं पे करते हैं रैप अप, मिलेंगे आप लोग से बहुत ही जल्दी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।